लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ उनको। अरे है तो हमारे आदरणीय ना बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा गलती की। रात रात भर घूम करके हम छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया, डॉक्टर ऑफिस डबल कर दिए, बिहार में पर्यटक नीति लाए और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी आए। ये हम लोगों ने काम किया, आईटी पॉलिसी लाए, बिहार में इन्वेस्टर मीट किया, पहली बार बिहार में बाहर के व्यवसायियों ने, पूंजीपतियों ने बिहार के साथ समझौता किया कि बिहार में पैसा खर्च करेंगे। 50,000 करोड़ का एमओयू साइन कराया गया, इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा, शिक्षा मंत्री राजद का, हेल्थ मिनिस्टर तो हम खुद ही थे, हर जगह आईटी मिनिस्टर जो थे मंसूरी जी थे, सारा काम हम लोग करवा रहे थे। आईटी पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स नीति लाए, बताओ नौकरी तो नौकरी। जब बिहार में पहले कोई लोग खिलाड़ी लोग मेडल लाता था तो नौकरी मिलता था। हमारे राज्य में 17 महीनों में जो खेला जो मेडल लाया उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, सारा काम हम लोग कर रहे। लेकिन आप बताइए मुजफ्फरपुर में जो हम 17 महीने में किए रहते हुए वो आपको गिना दे, लगभग 52 स्वास्थ्य उप केंद्र हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने किया, सैंक्शन किया, पूरे मुजफ्फरपुर में जहां भी जमीन उपलब्ध हुआ, जहां नहीं था वहां 52, चाहे गाय घाट हो, राई हो, मीनापुर हो, बुचाहा हो, सकड़ा हो, कुर्दी हो, साहेबगंज हो, पाड़ हो, काटी हो, मुजफ्फरपुर में 6 से 8 प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने उपकेंद्र का स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। अब बढ़ेगा और हमने फैसला भी किया कि बढ़ेगा तो प्री फैब बना, जल्दी बन जाता है, मेंटेनेंस में नहीं ज्यादा लागत रहता है। कपटपुरा कांटी रेलवे स्टेशन के बीच आरोपी का निर्माण 43 करोड़ रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग दिए। मोतीपुर साहेबगंज एवं मोतीपुर महापल के बीच आरोपी का निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपया जो हम लोग ने प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम किया। SKMCH मुजफ्फरपुर परिसर में होमी बाबा कैंसर अस्पताल का निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। MMGSY अवशेष अंतर्गत 26 करोड़, लगभग 27 करोड़ की लागत से 41 पथ जो है यानी 26 किलोमीटर पथ का निर्माण का हम लोगों ने सैंक्शन किया। MMGSY नाबार्ड के अंतर्गत 43 करोड़ की लागत से 32 पथों का यानी 38 किलोमीटर का हम लोगों ने निर्माण कराने का काम किया। MMGS उन्नयन योजना के अंतर्गत 52 किलोमीटर यानी 45 करोड़ के लागत से हम लोगों ने साक्षर करने का काम, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई व कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों ने देने का काम।